हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। रेसिपीज तो हम रेगुलरली अपलोड कर ही रहे हैं, पर आज हम उन्हीं रेसिपीज को डिफरेंट स्टाइल में सर्व करना बताएंगे। इसमें हम उन्हीं डिशेस की सर्विंग बताएंगे जिसकी रेसिपी की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विंग प्लेट्स बनाना। पर सर्विंग प्लेट्स बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या क्या बना है और हम किसकी प्लेटिंग करने वाले हैं। आज मैंने बनाया है गुलाब जामुन, बालूशाही, बेसन की पापड़ी नमकीन, बेसन की पापड़ी मठरी, काजू नमक पारे, बेसन की बर्फी, लौंग के सेब और कलाकंद। इन सभी की रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी डिफरेंट स्टाइल में प्लेटिंग करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन की प्लेटिंग से। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी गुलाब जामुन दो। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी रबड़ी। अब इसी के साथ इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये फर्स्ट प्लेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी प्लेटिंग। हमारी अगली रेसिपी है अचारी मसाला पापड़ी। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक पापड़ी। इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे अचार का मसाला। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से प्याज, साथ में डालेंगे थोड़े से टमाटर। अब इस पर थोड़ा सा डालेंगे नमक, नमक ऑलरेडी अचार में भी होता है। थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये अचारी मसाला पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेटिंग की तरफ। अब हम कर लेते हैं कलाकंद की प्लेटिंग। इसके लिए सबसे पहले लूंगी एक पीस कलाकंद। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। इसी के साथ इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और साथ में डालेंगे थोड़े से स्प्रिंकल्स। ये चॉकलेटी कलाकंद बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेटिंग की तरफ। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है लौंग सेव नमकीन की चटपटी चाट। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ये सेव जो हमने बनाए थे। अब इसी में डालेंगे ये मुरमुरे, साथ में डालेंगे थोड़े से चने। अब इसमें हम डालेंगे लाल इमली की चटनी। अब इसमें डालेंगे दही। इसी के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, साथ में डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और अब इसके ऊपर लास्ट में डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये देखिए बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्लेटिंग करना। अब हम बनाएंगे रबड़ी बालूशाही। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक बालूशाही। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी रबड़ी। इसी के साथ इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स।
और साथ में हम डाल देते हैं थोड़े से स्प्रिंकल्स। ये देखिए रबड़ी बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है बेसन पापड़ी चाट। इसके लिए इस तरह से सबसे पहले हम पपड़ी लेंगे, इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़े से प्याज, साथ में डालेंगे थोड़े से टमाटर। इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और लास्ट में डालेंगे ऊपर से चिली फ्लेक्स। अब इसी के साथ इसमें मैं थोड़े से लूंगी काजू। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल चटनी। इसी के साथ बेसन की पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हम करेंगे बेसन की बर्फी की प्लेटिंग। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक पीस बेसन की बर्फी, इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी रबड़ी और अब हम इसको काजू बादाम पिस्ते से गार्निश कर लेते हैं। ये देखिए बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेटिंग की तरफ। अब हमारी लास्ट प्लेटिंग है दही बड़े की प्लेटिंग। इसके लिए दो दही बड़े मैंने लिए हैं। इस पे सबसे पहले मैं डालूंगी दही, दही में हमने मीठा डाल रखा है। अब इसके ऊपर डालूंगी थोड़े से केले, केलों को हमने कट करके लिया है। इसी के साथ डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए एप्पल। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चटनी। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। ये देखिए इन सभी की मैंने प्लेटिंग कर ली है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये जितनी भी डिशेस की प्लेटिंग आज हमने की है ये सभी आपने बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी। पर इस दिवाली आप मेहमानों के सामने नए तरीके से इसको प्लेटिंग करके सर्व करिए, मेहमान आपकी तारीफ जरूर करेंगे। होपफुली आपको ये सभी प्लेटिंग्स पसंद आई होंगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।